ये महत्व तो भी नहीं है, महत्व इसमें है। और यहाँ मेरे पास नकाब है और महत्व के फूल है, बैग पकड़े हैं। तो चलो चलते, तो हम घर पे आ गए। तो देखिए ये सब नकाब मैंने लेके आई हूँ। ये सब तो देख के लोगों ने मंगाए थे, तो ये वो है। बाकी ये गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी सुबह हो चुकी है गाइज, और देखो हमारे पापा यहाँ पे खेल रहे हैं। हमारी सुबह हो गई आपकी, अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो सबको, सलाम करो। कुछ बोल रहा है वो। बुआ, बुआ बोल रहे हैं। हाँ इधर देख, इधर देख, इधर देख, महत महत ये मेरा बच्चा, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं कर रहा है। सो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं बाबा बस स्टैंड सुबह सुबह। अभी इस वक्त हो रहे हैं मॉर्निंग के 9:30, और आप लोग ये सोच रहे हैं कि लोग इतनी सुबह सुबह बाबा स्टैंड क्यों जा रहे हैं। बाबा स्टैंड क्योंकि गाइज हमारा बम्बई से ना पार्सल आया एक, उसमें नकाब है, अबायाज है, तो जो शबनम अभी सेल कर रहे हैं तो आप सभी को मालूम है। तो हमने इससे पहले भी कई वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो वो अबाया का एक न्यू कलेक्शन आया है, तो मतलब न्यू स्टॉक आया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, आ गया बाबा पे, तो अभी हम लोग जाके बस लेके आ जाएंगे। क्योंकि दो दिन से वो रुका हुआ था, दो दिन पहले ही आने वाला था। हम लोगों को काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए थे उससे रिलेटेड कि बुरखा आया नहीं आया, आया नहीं आया, तो आज सुबह में आ गया यहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए, और अभी लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो उसमें अभी मतलब थोड़ा हटके लिए और थोड़े न्यू डिज़ाइन पैटर्न थोड़े न्यू लिए। तो गाइज जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी जिसको भी लेना है, या फिर जो भी अबायास के शौकीन है, जो शबनम के ऐसा पहनना पसंद करते हैं या फिर उनकी चॉइस को पसंद करते हैं, तो आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर इसको शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं फटाफट अभी बाबा पे। तो चल रहे महाराज, आप भी के छोड़ के जाओ तुमको, सलाम कर दो जल्दी से, सलाम करो महाज, सलाम कर दो जल्दी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, चलो चलो। तो हम बाबा पहुंच गए, यहाँ से ले रहे हैं टन, देखते हमारा सामान वापस से बांधना बांधना पड़ेगा जैसा। आप क्या वो गए हैं सामान लेने के लिए, तो देखो तो हमने सामान ले लिए, और महत्व भी ले लिए, महत्व में है। और यहाँ मेरे पास नकाब है और महत्व के फूल है, बैग पकड़े हैं। तो चलो चलते हैं फटाफट, क्योंकि दो तीन लोगों को कॉल आया था, तो उन लोगों को लेने का है नकाब, तो वही मुझे बोले जल्दी सुबह लेके आ जाना, तो सबको फोटोज़ वगैरह भी भेजने का है, तो जल्द से मिल, वैसे भी बहुत लेट हो गया, 4 दिन तो हो ही गया ऐसे। तो चलो फटाफट, तो हम घर पे आ गए। तो देखिए ये सब नकाब मैंने लेके आई हूँ। ये सब तो देख के लोगों ने मंगाए थे, तो ये वो है। बाकी ये सब थोड़ा नया है, ये और उसमें है, मेरा बेटी यहाँ सोया है, तो इसकी मैं फोटोज खींच लेती हूँ फटाफट। सो गाइज हम लोग हर बार की तरह इस बार भी रेडी हो चुके हैं, और मैं आया हूँ काम पर से, मैं नहा धो के फ्रेश हो गया, और एकदम गर्म पानी से मैंने नहाया, थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, सर का दर्द वो कम हुआ, थोड़ा जुकाम कम हुआ, एकदम गर्म पानी डाला ना तो बहुत ज़्यादा जुकाम निकल रहा था। तो गाइज अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और ये देखो महाज बाबू, देखो यहाँ कैसा खेल रहे, चप्पल पहना दी अब्बू ने। हम अम्मा, हाँ अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम करो। सो गाइस जो अभी हम लोग ने न्यू आईफोन 15 प्लस बाय किया है, तो उसकी उसमें चार्जिंग कनेक्ट नहीं हो रही है, मतलब चार्जिंग पे लगा रहे ना तो चार्जिंग नहीं हो रही है, पकड़ ही नहीं रहा है, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा चार्जर, और चार्जिंग मतलब दूसरे मोबाइल में कनेक्ट हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा है, तो मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सर्विस सेंटर, तो अभी इस वक्त हो रहे हैं 5:30, देखते हैं खुला रहता है नहीं रहता है, अब अल्लाह को मालूम। चलो माँ, चलो आप रेडी हो गए, चलो जल्दी से, चलो मम्मा को आवाज़ दो, मम्मा को आवाज़ दो, और शबनम भी यहाँ पर बुरखा पहन रहे। तो चलिए गाइस फटाफट निकलते हैं, नहीं तो शॉप बंद ना हो जाए, वो बहुत परेशानी हो जाएगी यार। मोबाइल में 40% ही चार्जिंग है, और ऐसा मसला हो गया, अब क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फटाफट पहुंचना पड़ेगा वहाँ पर। अब भी तो न्यू लिए 20 दिन तो हुआ लेके, तो अब भी है। तो हम रेडी हो चुके हैं, अब निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं मोबाइल के आईफोन की वो देखने सर्विस सेंटर, अब पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं है, चलो देखते हैं। अचानक पता नहीं क्या हो गया, चार्जिंग कनेक्ट नहीं हो रही उसके अंदर,
मसला हो जाएगा अगर नहीं होगी तो। टेंशन तो मुझे शाम से ही बहुत हो गया। 20 दिन तो हुआ मोबाइल, एक लोन भी नहीं गया। अभी से खराब होगा तो कैसा चलेगा फिर? चलो देखते हैं, बस ये सोच रही कि कुछ नुकसान ना हो, बस ऐसा हो के लग जाए, हो जाए चार्ज। के लिए मतलब मैंने लेके आई थी मुंबई से, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ चलो फटाफट से मोबाइल का मसला हट जाए तो टेंशन दूर हो जाएगा। तो हम लोग ने मोबाइल की शॉप पे गए, बात बात करे तो उन्होंने बोले कि आप सर्विस सेंटर जाओ, और सर्विस सेंटर हो गया है बंद। तो अब देखते हैं कल जाएंगे इंशाल्लाह, बस अल्लाह चालू हो जाए। मेरे तो बहुत टेंशन हो रहा है, बाप क्या होता है क्या नहीं। और मार के अबू को अचानक बहुत घबराहट और चक्कर वक्कर आ गई थी वहीं पे, तो वहाँ थोड़ा सा रुक गए थे तभी निकले। अभी जाती हूँ आज फिर डॉक्टर के पास, बता देती एक बार। और तो हम घर पे आ गए और मोबाइल चार्जिंग हो गया, अल्लाह का शुक्र है बाबा। हाँ खुद ही मैंने उसको लगाया, ऐसे एक बार थोड़ा सा हिलाया, निकाला तो लग गया, हो गया। ए तुम ज्यादा नहीं चिल्ला रहे, मार को पटके देना पड़ेगा। अभी उन लोग के घर पे नकाब देने गए थे, कितनी मस्ती कर रहा है वो बाजी, क्या कर रहा वालू, वो अपना सिलाई मशीन आती ना। तो गाइस हम घर आए और हमारे भाजी और भाजी भर, मेरी बड़ी ननद भाजी और भाईजान आए थे इसे मिलने के लिए। तो हम लोग गए थे, मुझे एक जन को नकाब देना था, मेरे सब्सक्राइबर है वो, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है, तो मैंने उनको नकाब भी दी। और ये चार्जिंग का क्या प्रॉब्लम हो गया था आईफोन में वो भी बता दी। तो पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तो आईफोन तो चार्ज हो गया, अब टेंशन नहीं है। तो नकाब भी मैंने दे दी। फिर हमको कॉल आया बाजी का कि हम आए हैं घर पे, तो हम आए तो मुझे जो सामान लेना था मैं नहीं ले पाई, तो मैं आई घर पे, दाल चावल बनाई और हम लोग बैठे बातचीत करें, मस्ती मजाक करें। अब लोग गए, अब हम भी जा रहे, थोड़ा घर में लाइटिंग करना है क्योंकि लाइट बहुत कम है, तो एक ही लाइट है इस वजह से जा रहे, तो लाइटिंग का सामान लेने और थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेती हूँ, फुग्गे वगैरह, ज़्यादा नहीं ऐसे थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी भी नहीं हुई थी, गाँव में थी मैं, तो मैं ये सेकेंड यहाँ हूँ, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर देती हूँ क्योंकि मैंने नहीं करी थी इस वजह से। तो मेरा बेबी भी है इस बार हम लोग के साथ, फर्स्ट टाइम भी था, सेकंड टाइम भी है, तब उसको इतना वो नहीं था, बहुत छोटा था। तो देखते हैं इंशाल्लाह थोड़ा बहुत कर देती हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है, एकदम धूमधाम से नहीं कर रही, थोड़ा सा ही कर दूँगी, ऐसे छोटा सा केक लेके आ जाऊँगी बस, ज़्यादा नहीं कि महत के अबू भी खुश हो जाएंगे थोड़ा सा मतलब। और हमारी थर्ड एनिवर्सरी है, नहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी 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 सेकेंड एनिवर्सरी, तो हमारी सेकेंड एनिवर्सरी है। तो हम लोग बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश है एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से ये सब चीज़ें इंजॉय करने का वो है, अगर खुश नहीं होती तो नहीं मनाती। तो चलिए चलते हैं, ये देखो सब सामान उठा उठा ये सब फेंक रहे हैं। महद देखो, सिर्फ महद बोलती हूँ उसको तब बुरा लग जाता है। तो चलो चलते हैं, चलो चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, चलो चलो चप्पल पहनो, चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं और फिर आते हैं। और मैं महद के अबू को बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट देने वाली हूँ, तो मैं खुद आप लोगों को बाद में बताऊँगी, अच्छा लगता है वो, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो मैं भी सोची मैं भी देती हूँ, मैं मेरे मोहब्बत को मोहब्बत का इजहार उस तरीके से करती हूँ। तो देखते कैसा लगता है ना मम्मा, ये चलो। तो हम निकल चुके हैं, अब पहुँचे कौन से मार्केट, शाहगंज सिटी चौक, तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा डेकोरेशन के सामान लेने के लिए, और फिर उसके बाद क्या लेना है मुझे, हाँ और एक चीज़ और लेना है वो तो मैं बताऊंगी नहीं। देखो मैं इनके लिए क्या क्या प्लान करती हूँ, पर ये मेरे लिए कुछ प्लान नहीं करते मालूम। अरे मैं हर प्लान तुम्हारे लिए। अच्छा ये मेरे को सरप्राइज़ नहीं दिए इन्होंने मुझे, क्या दिए थे सरप्राइज़, ये एक वॉच घड़ी दिए थे और ये आईफोन का तो मुझे पता ही था। जैसे मैं इनके लिए डेकोरेशन ये सब करती हूँ, इनके बर्थडे में भी, इनके बर्थडे में भी इतना कुछ करी थी, पर इन्होंने मेरे लिए नहीं किए। हमेशा घर में रहते, मैं बाहर रहता हूँ तो मैं करते, भाई घर में रहने बाहर वाले भी करते हैं, क्या करूँ फिर। तो चलो मेरे को बोल दे शबनम थोड़ी देर के लिए चले जाए इसके उस घर पे, मैं चली नहीं जाऊँगी क्या, ये तुमको भी मालूम है, देखो मैं कुछ ना कुछ कर रही, साथ में तो इन्हीं के जा रही हूँ ना, फिर
अभी मैं एक्टिवा सीख गई होती तो मैं अकेले आती है, मेरे पास एक्टिवा भी तो नहीं है। मैं लूंगी एक्टिवा इंशाल्लाह बहुत जल्द, सेकंड हैंड में लूंगी, पर लूंगी सेकंड में लूंगी और सीखूंगी पहले तो। सबसे पहले मतलब ना 8-10 हज़ार तक की चीज़ जो एकदम सादी स्कूटी आती है, स्क्रैप भी रहेगी, चलेगा, शब्दम को सीखने का इसके लिए। किसी के पास स्कूटी होगी तो मुझे मैसेज करो। तो सब डेकोरेशन की दुकानें बंद हो गई है क्योंकि सब गए हैं गरबा खेलने के लिए, तो कोई बात नहीं। अरे तो गरबा है ना, तो अभी गरबा है ना, तो सब गरबा खेलने जाते हैं ना, फिर मस्त लगता है गरबा खेलने, अच्छा लगता है। अब मैं छोटी थी ना तो बहुत खेलती थी, कुछ नहीं इतना वो नहीं है, मैं छोटी थी ना तो खेलती थी। मास्क के अबू भी खेले ना जी? अरे बचपन में नादान रहते हैं, खेल लेते हैं। उसमें कुछ सातवीं तक मैंने उसमें कुछ गुना वो नहीं है, मतलब डांस तो वो बैरिंग वाली डांस तो ऐसे भी करते ही है ना, तो थोड़ा सा गरबा ऐसे कर लेते हैं, पर पहले करते थे, अब नहीं। नादानी में सब होता है, कोई बात नहीं, अब समझदारी आ गई, अब नहीं खेल रहे, अब सिर्फ देखते जा, देखे भी नहीं आज, अभी तक देखी नहीं मैंने ये साल का। चलो पटाफट। मुंबई के माहौल में कैसा देखने मिल जाता था? अरे मुंबई में जगह जगह पे दिखता है, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है ना, इसलिए हम लोग सब नॉन मुस्लिम सब हम लोग फ्रेंडली थे। हाँ तो मेरी एक लता दीदी है, तो मेरी डार्लिंग है, हम लोग तो एक दूसरे के तो हाँ मेरे भी फ्रेंड्स है बहुत अच्छे है। सो गाइस हम लोग का खाना पीना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हम लोग और आज आप एक नंबर दिख रहे हैं, थैंक यू। तो आज मैंने ऐसी मजबूरी में कपड़े पहन लिया क्योंकि टी शर्ट अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, और लेके आऊंगी अच्छा। अभी मुझे भेजो हफ्ते भर में। हाँ तो गाइस अभी मैंने मतलब जो मेरे डेली रूटीन के कपड़े वो तो मैंने मतलब ऐसी सब रखे हुए, तो वो नहीं पहना, तो मैंने आज मजबूरी में ये पहन लिया क्योंकि मैं ऐसा है ना मतलब काम पे रहता हूँ ना, तो मैं ऐसा सब अच्छे अच्छे कपड़े जो है मेरे वो नहीं पहनता, और ये नवा ही है तो मैं इसके लिए ये सब चीज़ें अवॉइड करता हूँ। जिस दिन छुट्टी पे रहता हूँ वो दिन पहनता हूँ, तो आज पहना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मस्त लगा मेरे को भी बहुत। तो गाइस मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लाया हूँ, और नए अंदाज में और एक से एक पैटर्न में। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग ने एक छोटा मोटा न्यू बिज़नेस भी स्टार्ट किया है जो है अबाया का, तो शबनम हर वक्त हर टाइम पर अलग अलग अबायास पहनते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इनके पास कलेक्शन से, ये आप लोगों को भी मालूम है, ये हर चक्कर हम लोग बम्बई जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ये मतलब कैसा है मतलब बुरखा ऊपर से न्यू पहनते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं भी जाते आते हैं तो मतलब चार दो लोग में दिखता भी है कि हाँ मतलब कुछ यूनिक है, तो ऐसी वो मुझे शौक है पहले से, और इनको शौक भी है। पहले तो ये बुरखा नहीं पहनते थे, बट जब से पहनने लगे, पर जब सोचती थी ना तो सोचती थी ऐसा पहनूंगी कि बवाल मचा दूंगी, तो ऐसी बवाल लेके हम लोग आपके पास आ गए एक बवाल योजना के साथ। तो गाइस बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब कलेक्शन आए, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में और भी आएंगे कुछ कलेक्शन, तो अभी जितना आया है तो हम लोग आप तक शेयर कर रहे हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये बता दूँ कि आओ ना थोड़ा आगे, मैं सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि गाइस हम लोग के पास जब माल आता है, जैसे हम लोग के पास माल आया कल 19 तारीख को, और ये ब्लॉग आप लोग देख रहे हो 21 तारीख को, 21 या 22 तारीख को आप लोग देखेंगे। तो गाइस अभी हम लोग मुंबई जाने के लिए सब लोग एक दो दिन आगे पीछे चल रहे हैं ब्लॉग में, तो हम लोग आज जो शूट करते हैं कल डाल करते हैं, तो अभी एक दो दिन आगे पीछे चल रहा है। तो हम लोग ने इंस्टाग्राम पर शबनम ने स्टोरी लगाए थे जो इनकी आईडी है शब्बो शेख के नाम से, तो वो आईडी पे आप लोगों को मतलब जितने भी कनेक्शन जो अवेलेबल एकदम रिसेंटली तो आप लोगों तक पहुंच जाते हैं बहुत ही आसानी से स्टोरी के थ्रू। तो गाइस ऐसा होता है हम लोग का ब्लॉग जाने के बाद जो लोगों को पसंद आता है तो वो अक्सर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जैसे कि अभी होगा। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने घर पर आके लेके गए, कुछ लोगों को हमने लेके जाके दे दिए जो यहाँ के थे अतराम के, कुछ लोग घर पे आए बेचारे, फिर कोई सूरत से आए थे उन लोगों ने भी लेके गए, और बहुत सारे लोगों ने लेके गए। और अभी फ़िलहाल जो हमारे पास बचा है अवेलेबल कलेक्शन है तो वो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ जल्दी जल्दी, तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और तीन बम्बई के भी है ना पार्सल, तो तीन बम्बई के भी है, तो अभी उसको भी हम लोग फटाफट पैकिंग करेंगे और मैं सुबह उसको कुरियर करा दूँगा। तो चलिए, और डिलीवरी चार्ज जो है वो कुछ नहीं है अभी के लिए आप लोगों के लिए, डिलीवरी मतलब फ्री होम डिलीवरी है, तो आप लोगों के घर तक पहुंच जाएगा पार्सल। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ बिना देरी करते। तो सबसे पहला
ये वाला पहला है, ये इससे पहले भी आया था बट ये बहुत अभी चल रहा है रिसेंटली में। उसकी रिबिन बराबर रखो, इसकी रिबिन है डोरी जो बांधने वाली है कमर पे, मैं आप लोगों को पहले फटाफट दिखाऊंगा बिना टाइम पास करते हुए क्योंकि हम लोग को पार्सल भी पैक करना है बहुत सारे। हाँ लो, आपको खोलने नहीं आ रहा तो कौन सा आप फटाफट दिखाएंगे। तो ये पहला है, मस्त है, औसम है ये वाला। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी मेरे को मालूम नहीं है इसका, तो जैसा मैं खाली भाई लंबू तो मैं फटाफट एडवर्टाइज कर रहा हूँ, बाकी जो भी भाई आपके होना तो छपे में अपन काम करने वाले इनके पास। तो भाई जो देखो ये प्लेन ब्लैक में आया है अब आया, और इसके ऊपर जो है ये मोती का डिजाइन है, मतलब इसका क्या बोलते इसको इसका डिजाइन है। तो ये दूसरा और ये तीसरा, बाद में रेडी करना पड़ेगा अभी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने ले लिए। अब आया नहीं, ये खाली बुरका है। हाँ ये नॉर्मल बुरका है, ये अब आया नहीं, बहुत प्यारा है। और इसकी जो अस्तीन है ऐसी है तो, पट्टे वाली। हाँ और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, एकदम सिल्क कपड़ा है, सिल्क नहीं सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, मस्त। ये ऐसा दिखा दिया कि फेंक देते हो, मेरे को पूरा करना पड़ता है। ये चौथा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा पर मैं क्या करूँ पहन नहीं सकता, वरना पहन लेते। चौथा है देखो, ये ब्राउन कलर है, इसमें पता नहीं चल रहा है। हाँ देखो ये ब्राउन कलर, तो ये कॉफी है ना, कॉफी कलर है, कॉफी कलर है। इसका व्हाइट कलर की सब पैकिंग की है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ व्हाइट बेल्ट है, और इसके साथ एक व्हाइट बेल्ट है, इसकी भी डोरी है, इसके साथ ये डोरी है। ये ग्रे वाला, और ये ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, जैसे वो है ना ब्राउन वाला उसी में का ग्रे है, ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में मस्त है ये भी। और छठा चल रहा है वो कुल जदवीर जी, तो ये छठा ये है अबाया, अबाया मैं इसके पैसे लूंगा मैं तुम्हारे से एडवर्टाइज के, 20 रुपए दे देंगे, 20 रुपए 150 रुपया देगा। और ये है सातवा, ये भी मस्त है, बहुत प्यारी डिजाइन है, ये भी अब आया है, ऑसम है ये वाला, ब्लैक एंड व्हाइट है ये। ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये, ये मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, सबसे हट गया, इसके साथ ये डोरी भी है और इसका कपड़ा सबसे हट गया और सबसे बहुत गहरा है ये, गहरा बोल रही बहुत वो है, और ये डबल कपड़ा है, मतलब डबल कपड़ा अंदर, ये कैसा है अस्तर है इसमें, अस्तर है, अस्तर बोल दी ना बाबा, वो नहीं मालूम अपने को, अब तुम समझ जाओ ये भी बहुत प्यारा लगा मुझे, मस्त बहुत। और लोगों सब देख रहे क्या, इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें ऐसे छोटे छोटे से इंशाल्लाह हमारा बड़ा अबाया कलेक्शन हो जाए। और गाइस आप लोगों को अगर नहीं चाहिए तो आप रखेंगे महद अबाया कलेक्शन। और अगर गाइस आप लोग मतलब अभी है आप लोगों के पास काम चलाने के लिए, अगर है, अगर आप लोग अभी नहीं लेना चाहते अभी के लिए, तो आप लोग अपनी फैमिली से ये चीज शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। हाँ। तो कैसे हम लोग का भी फायदा हो जाएगा और उनका भी। तो मेरे को ये है, मेरे साइज का ये मैं ले लूंगी, सब तुम ले लो। और ये जो ये तो पिछली बार माशाल्लाह पूरा तीनों बिक गया था। और ये ना गाइस मतलब ये जितना भी बचा है तो ये सब है, मतलब अभी हम लोग ने और डबल मंगाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको मांग रहे थे, ये सब जो पैटर्न है मतलब अभी तो पब्लिक ज़्यादा मांग रही है, तो ये देखो। और अभी हम लोग हर दिन तो माल नहीं मंगा सकते तो हर हफ्ते में मंगाते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखो ये है उसी में अबाया में, और ये वाला एक है, ये भी अबाया है क्या, नहीं ये बुरका है नॉर्मल, ये भी अच्छा लगता है, ये शब्दम ने लिए ना इसमें का अबाया है। ये एक है गाइस, और एक है ये कलर अच्छा लग रहा है बॉटल ग्रीन। हाँ ये भी बहुत प्यारा ना काफी वाला, ये अच्छा बड़ा है इसका। हाँ तो ये ये भी मस्त है, तो कैसे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बता रहे हैं, ये तो बताया ना अभी। हाँ ये है, ये भी अब आया है, ये भी अच्छा लग रहा है।
मस्त है। और इसके अंदर से डोरी भी है। हाँ मतलब ये जितने भी अबाया है इसके अंदर सब डोरी भी लगी हुई है। हाँ ये एक अबाया है। ये भी डोरी है। सेम है ना ये? हाँ कैसा फेक है। और एक ये है। ये बुरका है। नॉर्मल सिंपल बुरका है। तो गाइस ये रहे हमारे इतने सारे अबाया के कलेक्शंस। तो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आप लोग अभी फिलहाल के लिए नहीं लेना चाहते तो अपने फैमिली में फ्रेंड सर्कल में इसको पैक शेयर करना। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं हमारी विजिट कर पा रहे हो तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा नीचे, तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी की जो भी बात है तो फिर इंस्टाग्राम पर हो जाएगी। यहाँ पे हमारी पैकिंग चालू है और ये हमारा एड्रेस तैयार है। तो ये जिनके यहाँ भेज रहे हैं यहाँ सेलोटेप लगाने का, तो मेरे हीरो देखो कैसा पैकिंग कर रहे। ज़्यादा पैकिंग नहीं करना है, पिछली बार खोल दी थी ना, पिछली बार खुलवा दी थी, बोली इतना काहे को पैक करके लाए ऐसा बोल के। उन लोगों को स्टैम्प मारना रहता है ना जी, स्टैम्प मारने का रहता है और लेबल लगाने का रहता है। हाँ ना, तो हम लोग ने मतलब बहुत ज़्यादा ही हार्ड पैकिंग कर दिए थे, बहुत मस्त किए थे। तो देखो एक दो तीन चार, ये चार अबाया चले गए हैं। ये है पर अभी एक को ये है, बाकी ये दो गए, ग्रे वाला गया, उसमें का भी एक है ना, नहीं ये अलग से प्रिंट है। तो अभी ऐसा पैक हो गया और उसके पीछे हम चिट्ठी चिपका देंगे। सो गाइस देखो यहाँ पर पार्सल रेडी हो चुके हैं, इसमें दो नकाब है इसमें एक है। तो चलिए हम उसको रख देते हैं, सुबह जाते जाते डाल देंगे। और गाइस अब हम लोग भी बस सोने की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है और सुबह काम पर भी जाना है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे वीडियो को ऐसी सपोर्ट करना, ऐसी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।